Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you will be happy and safe with the grace of Almighty Allah. Now it's English period, and today we are going to learn about unit number 12 from New Oxford Modern English Grade 4. First of all, the name of the unit is The Weeping Princess, Part 1. Words to know: Austin, a make of motor car, मतलब ये जो कार है इसको हम Austin कहते हैं. Delicious, tasty, मज़ेदार. Forged, made or copied, illegally, faked, नकली. Gloomily, miserably, unhappily, नाखुश. Keen, eager or willing, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उसका शौकीन होना. Mist, a thin grey cloud of water droplets, light फॉग, मतलब ये कि छोटे पानी के जो कतरे होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं, जैसे या फिर उसको हम कह सकते हैं धुंध वगैरह. प्रीशियस, वर्थ लॉट ऑफ मनी, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होना. रेयर, नॉट ऑफन फाउंड, बहुत नायाब, जो बहुत मुश्किल से चीज़ मिलती है, आम नहीं होती. शेफ, अरे अ स्ट्रीक, एक डंडा या सलाख. Now let's move towards reading and translation of this unit. A shaft of light fell on Asim's face as he lay asleep in his room. Asim के चेहरे पर जो है वो एक, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सलाख या फिर डंडा, इससे मुराद ये नहीं है कि उसके चेहरे पर सलाख या डंडा लगा, मतलब ये कि बिल्कुल डंडे की तरह सीधी. हो सकता है कि उसकी विंडो ओपन हो और वहाँ से लाइट आ रही हो जो सीधी उसके चेहरे पर पड़ी जब वो अपने कमरे में सो रहा था. ही वॉक स्टनली, वो अचानक उठा. ही सेट अप, वो बैठा. रब्ड हिज फेस, अपनी सॉरी आइज़, उसने अपनी आँखों को मला. एंड स्ट्रेचिज़, और उनको पूरा खोला फैलाया. ही गेव अ बिग यॉन, उसने एक बड़ी जमाई ली. एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड, और जो है वो अपने बेड से नीचे उसने जो है वो उतरा. आसिम वाज प्लीज डेट इट वाज अ नाइस ब्राइट डे. आसिम बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जो है वो रोशन दिन था. बिकॉज, क्योंकि हिज फ्रेंड, उसका दोस्त यासिर, जिसका नाम यासिर था, हैड सेड, उसने उसको कहा ही वुड कम, कि वो आएगा. एंड प्ले फुटबॉल विद हिम, और वो उसके साथ फुटबॉल खेलेगा. इट वाज संडे, तो वो क्या था कि इतवार का दिन था. सो देयर वाज नो स्कूल, तो इसलिए स्कूल से छुट्टी थी, उन्होंने स्कूल नहीं जाना था. बट इट हैड रेन्ड द होल वीक, लेकिन क्या था कि पूरा हफ्ता जो है वो बारिश थी. सो द बॉयज़ वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गेम ऑफ फुटबॉल, तो जो लड़के थे वो सच में जो है वो देख रहे थे कि वो फुटबॉल की गेम खेलें, या फिर वो मौसम को बेहतर होता हुआ देख रहे थे. ही वॉश्ड, उसने मुँह हाथ धोया. एंड ड्रेस्ड, और उसने कपड़े वगैरह चेंज किए. एंड देन रेन डाउन स्टेयर्स, और फिर वो भागा सीढ़ियों से नीचे की तरफ, टू द किचन, किचन वाली साइड पे, वेयर हिज मदर वाज मेकिंग पूरीज, जहाँ पे उसकी जो मामा थी या मदर थी वो पूरीज बना रही थी, पूरियाँ बना रही थी. आसिम लव्ड ईटिंग पूरीज, आसिम को पूरियाँ बहुत पसंद थी. एंड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ब्रेकफास्ट ऑन संडे, और वो हमेशा जो है वो संडे को जो का इंतज़ार करता था, मतलब नाश्ता करता था इससे. As he was half way through his breakfast, जब वो अपना आधा नाश्ता कर चुका या फिर दरमियान में था, there was a loud crash, तो बहुत जो है वो ऊंची कोई चीज़ बजने की आवाज़ आई. and a deep rumbling sound from outside, और एक बहुत गहरी गूंजदार आवाज़ बाहर की साइड से. that sounds like thunder, ये बहुत गरज की तरह की आवाज़ थी. सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, आई थिंक, मेरे ख्याल में, वी आर गोइंग टू गेट सम मोर रेन टुडे, कि हम, उसकी माँ ने उसे बताया या कहा कि मेरे ख्याल में कुछ और बारिश जो है वो आज होने वाली है. आसिम लेफ्ट हिज फूड, आसिम ने अपना खाना छोड़ा. एंड रेन आउटसाइड, और बाइक तरफ भाग गया. ही लुकड अप एट द स्काई, उसने आसमान की तरफ देखा. एंड हिज फेस ग्रू सैड, और उसका चेहरा उतर गया या वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया. ओवर द टाउन टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ
जो टाउन था या कस्बे की वेस्ट साइड पे, देयर वर ह्यूज थंडर क्लाउड्स मूविंग टुवर्ड हिज हाउस. एक बहुत जो है वो बड़ा जो है वो क्लाउड जो गरज के साथ जो बादल था वो आ रहा था उसके घर की तरफ. इट विल सून बी रेनिंग हेयर, और वहाँ पे जल्दी जो है वो बारिश होगी. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा. एंड देन यासिर वॉन्ट कम, और फिर यासिर नहीं आएगा. आसिम पुश्ड हिज हैंड्स डीप इनटू हिज पॉकेट्स. आसिम ने अपनी जो हैंड्स थे, अपने जो हाथ थे, वो अपनी पॉकेट में और ज़्यादा अंदर की तरफ कर लिए, पुश कर लिए. एंड वॉक बैक टू द हाउस ग्लूमली, और फिर नाखुशी से घर की तरफ जो है वो अंदर चला गया. एज ही रीच्ड हिज डोर स्टेप, जब वो अपने दरवाजे पर पहुँचा, ही हर्ड द साउंड ऑफ अ कार, उसने एक कार की आवाज़ सुनी. ही टर्न टू सी एन ओल्ड ऑस्टन मोटर कार पुल्ड अप आउटसाइड हिज गेट, और उसने वो पीछे मुड़ा और देखा कि एक ओल्ड पुरानी ऑस्टन मोटर कार है जो कि उसके जो है वो गेट के बाहर रुकी है. अटाल एक लंबा ग्रे हेयर्ड जो है वो सुरमई से बालों वाला इंग्लिश मैन अंग्रेज स्टेप्ड आउट ऑफ द कार, वो गाड़ी से बाहर निकलता है. आसिम रेन टू द गेट टू मीट हिम, आसिम गेट की तरफ भागता है और उसको मिलने के लिए. हेलो, उसको वो मुखातिब करता है. अंकल माइक, अंकल माइक उस आदमी का नाम था. ही कॉल्ड एज द इंग्लिश मैन वॉक थ्रू द गेट, और जो है वो उसको बुलाता है और दोबारा जो है वो गेट की तरफ हो जाते हैं. अंकल माइक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आसिम्स फादर, अंकल माइक जो थे वो आसिम के अबू के पुराने दोस्त थे. ही ऑफन came to see the family on Sunday, वो अक्सर उनको देखने के लिए संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन आया करते थे. and it was usually at breakfast time, और वो जो है वो आमतौर पर नाश्ते का टाइम होता था. because क्योंकि he loved puris too, उनको भी puris बहुत ज़्यादा पसंद थी. he thought, उसने सोचा, that Asim's mother was the बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, मतलब ये कि जो अंकल माइक थे उनके ख्याल में आसिम की अम्मी जो थी वो दुनिया की बहुत बेहतरीन जो है वो कुक थी. अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट, अंकल माइक ने एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का पैकेट उठा रखा था. हेयर यू आर आसिम, ये तुम्हारे लिए आसिम. आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट एक तोहफा लाया हूँ. ही गेव हिम द पैकेट, उसने जो है उन्होंने पैकेट दिया. एंड एज सून एज दे गॉट इनसाइड द हाउस, और जितनी जल्दी वो घर के अंदर पहुँचे, आसिम ओपनड इट, आसिम उसे ओपन या कर चुका था या खोल चुका था. इन इट देयर वॉज एन ओल्ड एल्बम, उस पैकेट में एक पुराना एल्बम था. एंड आ मेटल बॉक्स, और एक मेटल का धात का बना हुआ बॉक्स था. वट एवर कैन दिस बी, मतलब ये कि ये क्या हो सकता है. ही थाट एज ही ओपन द बॉक्स, उसने सोचा जैसे ही उसने बॉक्स को खोला. स्टैम्प्स, स्टैम्प या फिर जिसको हम टिकट कहते हैं. ही येल्ड एज द होल बॉक्स टिप्ड ओवर एंड हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल स्टैम्प पोर्ड आउट ऑन टू द फ्लोर, मतलब ये कि उसने क्या किया कि वो सारा जो बॉक्स था जैसे ही उसने उसको खोला, एंड हंड्रेड्स ऑफ कलरफुल स्टैम्प्स, और जो थे सैकड़ों रंग बिरंगे या फिर बहुत ज़्यादा रंगीन स्टैम्प्स जो थे पोर्ड आउट ऑन टू द फ्लोर, वो फर्श पर गिरे. इन द एल्बम टू, और एल्बम में भी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टैम्प्स, जो है वो सैकड़ों स्टैम्प्स थे स्टक इन नीट रोज, जो कि लगाए गए थे बहुत जो है वो सफाई के साथ लाइनों में ऑन ईच पेज, हर एक जो है वो सफ़े पर. दिस सैड अंकल माइक, ये अंकल माइक ने कहा, इज़ माई ओल्ड स्टैम्प एल्बम, ये मेरी पुरानी स्टैम्प एल्बम है. वैन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, सॉरी छोटा था, आई यूज़ टू कलेक्ट स्टैम्प्स,
मतलब ये कि जब मैं लड़का था या फिर ये कि अब तो वो अंकल थे, तो इससे पहले वो अपनी जवानी के दिनों में क्या करते थे कि कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स को। आई थॉट डैट यू वुड लाइक देम, मैंने सोचा कि तुम्हें ये पसंद आएंगे, ये तुम इसको पसंद करोगे। एज़ माई ओन चिल्ड्रन आर ऑल ग्रोन अप, जैसे कि मेरे अपने बच्चे सारे बड़े हो गए हैं नाउ अब एंड हैव गॉन अब्रॉड, और वो बाहर चले गए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स आर वेरी कॉमन, बहुत सारे जो स्टैम्प्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, आम से हैं, ऑर्डिनरी वंस, और कुछ जो हैं वो मामूली हैं। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इनके साथ, मतलब ये कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे ये। देर आर नो रियली रेयर स्टैम्प इन द कलेक्शन, मतलब ये कि ये जो कलेक्शन है, ये स्टैम्प्स का जो मजमूआ मैं तुम्हारे पास लाया हूँ, इसमें कोई रेयर स्टैम्प नहीं है। रेयर का हमने क्या पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा नायाब कोई चीज़ ऐसी जो कि ना मिलती हो। हाउएवर दाम आई एम श्योर डैट इफ़ यू कंटिन्यू टू कलेक्ट स्टैम्प, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम जारी रखोगे इकट्ठे करना स्टैम्प्स को, वन डे दिन यू विल फाइंड अ रेयर वन, तो तुम ढूंढ लोगे एक जो है वो रेयर या नायाब। हिज आईज ट्विंकल्ड, उनकी आंखें जो हैं वो ट्विंकल्ड, मतलब उन्होंने आंखें झपकी या उनकी आंखें भर आई। एंड ही स्माइल्ड एट आसिम, और वो मुस्कराए आसिम पर। हाउ विल आई नो If it is a rare stamp? asked आसिम। अब आसिम उनसे सवाल कर रहा है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टैम्प जो है ये रेयर है। ओ आई एम श्योर यू विल नो वैन यू फाइंड वन, मुझे वो कहते हैं कि ओ तुम्हें पता चलेगा जब तुम इनको ढूंढोगे। मुझे यकीन है यू हैव टू बी केयरफुल, तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। डैट इट इज़ंट अ फॉइड वन, कि क्या कोई फेक तो नहीं है, जाली तो नहीं है। दो अगरचा नाओ वाइल योर मदर इज़ मेकिंग मी सम हॉट पूरीज, अब जो है वो तुम्हारी अम्मी मेरे लिए बना चुकी होंगी कुछ पूरी। सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ द वीपिंग प्रिंसेस। तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ कि एक कहानी सुनाता हूँ, किसकी? वीपिंग प्रिंसेस की, रोती हुई शहजादी की। जस्ट देन देयर वाज अ लाउड क्लैप ऑफ थंडर, तभी जो है वो क्लैप ऑफ थंडर से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा जो है वो गरज चमक की आवाज़ आई। एंड द रेन बिगन टू पोर डाउन, और बारिश बरसना शुरू हो गई। अंकल माइक मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल लार्ज चेयर, अंकल माइक जो थे उन्होंने बड़ी चेयर पर अपने आप को आरामदेह हालत में वो ले आए, मतलब रिलैक्स होकर वो बैठ गए। आसिम लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, आसिम जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा था एट द पोरिंग रेन, बरसती हुई बारिश को। एंड देन सेट एट अंकल माइक्स फीट टू लिसन, और फिर वो बैठ गया अंकल माइक के कदमों में उनको सुनने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखें कि बारिश का मंज़र भी है खिड़की से बाहर, और यहाँ पे अंकल जो हैं वो एक लार्ज चेयर, हम इसको कह सकते हैं या सोफ़ा कह सकते हैं, उस पर रिलैक्स बैठे हुए हैं, और आसिम जो है वो कदमों में बैठ के उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा है। अंकल माइक बिगेन हिज स्टोरी, अंकल माइक ने अपनी कहानी शुरू की। व्हेन आई वाज यंग आई यूज़ टू कलेक्ट स्टैम्प, जब मैं जो है वो छोटा था तो मैं क्या करता था कि मैं कलेक्ट करता था, जमा करता था स्टैम्प्स को। आई वाज वेरी कीन ऑन स्टैम्प, एंड माय पेरेंट्स वर ऑलवेज राइटिंग टू देयर रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्टैम्प्स इकट्ठे करने का, और मेरे जो वालदैन थे वो हमेशा क्या करते थे कि वो राइटिंग मतलब लिखते थे टू देयर रिलेटिव्स, सॉरी रिलेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनके तल्लुकात थे उनको वो ख़त वगैरह लिखते थे। एवरी टाइम दे रोट, जब भी मतलब हर बार जो लिखते थे, दे गॉट ए रिप्लाई, और वो एक उनको जवाब उसका मिलता था। एंड ऑन ईच इन्वेलप, और हर एक इन्वेलप होता है जो ख़त का लिफाफा होता है वो, डैट केम थ्रू द पोस्ट देयर वॉज ऑलवेज़ अ कलरफुल स्टैम्प, मतलब ये कि जब भी वो लेटर लिखते थे उस लेटर का उनको रिप्लाई या जवाब मिलता था, और जो जवाब आता था उसके लिफाफे पर क्या होता था कि बहुत कलरफुल स्टैम्प लगी हुई होती थी। सम टाइम देयर फ्रेंड्स रोट टू मी, अक्सर औकात उनके जो फ्रेंड्स हैं दोस्त थे वो मुझे लिखते थे। एंड सेंड मी स्टैम्प्स फॉर माई कलेक्शन, और मुझे मेरी कलेक्शन के लिए या जो मेरे पास मजमूआ था उसके लिए मुझे स्टैम्प्स भेजते थे।
Now you know that a great number of people in the world collect stamps. तो अब जो है वो तुम जानते हो कि दुनिया में बहुत सारा सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं. इनफैक्ट हकीकत में सून आफ्टर द फर्स्ट स्टैम्प वाज इशूड, जल्द ही जब पहला स्टैम्प जो था वो इशू हुआ, इशू मतलब शाया हुआ, इन 1840 इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में और कब हुआ, 1840 में हुआ. पीपल बिगन टू कलेक्ट them, लोगों ने उनको जमा करना शुरू किया. द फर्स्ट स्टैम्प वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, और जो पहला स्टैम्प था उसको कहा गया पेनी ब्लैक, मतलब उसका नाम रखा गया. टुडे इट इज़ वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, और आजकल क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कीमती है. व्हेन स्टैम्प्स आर बीइंग प्रिंटेड, जब स्टैम्प्स जो हैं वो प्रिंट किए जाते हैं, द प्रिंटर्स हैव टू बी केयरफुल, तो प्रिंट करने वाला जो प्रिंटर होता है उसको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है. डेट ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम, कि तमाम जितने भी वो प्रिंट कर रहा है वो बिल्कुल जो है वो एक जैसे हों. If one of the stamps is different in any way, अगर उनमें से कोई एक भी stamp किसी भी तरह से मुख्तलिफ होता है, then every collector wants to own that stamp. तो क्या होता है कि every collector wants, तो हर एक जो collect करने वाला जमा करने वाला वो चाहता है to own, कि वो उसको ख़रीदे that stamp, उस स्टैम्प को. एंड इट बिकम्स वेरी प्रीशियस, और वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है. आसिम्स आइज़ वर वाइड ओपन, आसिम की जो आँखें थी वो और ज़्यादा खुल गई. एंड ही वाज लिसनिंग केयरफुली, और वो बहुत ज़्यादा एहतियात से सुन रहा था टू व्हाट अंकल माइक वाज सेइंग, कि अंकल माइक जो हैं वो क्या कह रहे हैं. हिज़ मदर केम इनटू द रूम, उसकी अम्मी कमरे में आई. एंड आस्क्ड अंकल माइक टू कम इनटू द डाइनिंग रूम, और उन्होंने अंकल माइक को कहा कि वो डाइनिंग रूम में आ जाएँ. बिकॉज, क्योंकि हिज़ पूरीज वार रेडी, क्योंकि उनकी जो पूरीज थी वो रेडी हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी. आसिम एंड अंकल माइक वेंट इनटू द डाइनिंग रूम, आसिम और अंकल माइक दोनों जो हैं वो डाइनिंग रूम में चले गए. एंड अंकल माइक कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और अंकल माइक ने अपनी कहानी जो है वो जारी रखी. वेल, अच्छा, व्हेन आई वाज जस्ट अ बॉय, जब मैं सिर्फ एक लड़का था, द किंग ऑफ इंग्लैंड, सिर्फ एक लड़का से मुराद ये कि जब मैं जो है वो जवान था, द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज अ मैन कॉल्ड जॉर्ज, तो जो इंग्लैंड का बादशाह था वो एक ऐसा आदमी था जिसको जॉर्ज कहते थे. ही वाज जॉर्ज फाइव, उसको वो जॉर्ज फाइव था. एंड ही हैड बीन किंग ऑफ इंग्लैंड फॉर 25 ईयर्स, और वो क्या था कि बादशाह रहा इंग्लैंड का 25 ईयर तक, क्या है 25 सालों तक. द ईयर वाज 1936, और वो साल कौन सा था, 1936 का. नाउ अब व्हेन समवन हैज़ बीन किंग फॉर 25 ईयर, इट इज़ क्वाइट अ ग्रेट ओकेजन, तो जब कोई अब बादशाह बनता है या होता है 25 ईयर तक वो रहता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एक ओकेजन या फिर जो है वो मौका होता है. द पीपल इन मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटेड दिस एनिवर्सरी, तो लोग कई ममालिक से आते हैं उसकी सेलिब्रेशन के लिए, मतलब ये कि इतने साल जो उसने किंगडम में गुजारे उसको मनाने के लिए. इन कैनेडा, कैनेडा में दे इशूड अ स्टैम्प शोइंग द किंग्स ग्रैंड डॉटर प्रिंस एलिजबेथ, क्या था कि इन कैनेडा में दे इशूड अ स्टैम्प, एक जो है वो स्टैम्प इशू किया गया शोइंग, शो करने के लिए, दिखाने के लिए, द किंग्स ग्रैंड डॉटर, जो बादशाह था उसकी ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड डॉटर जो है वो अब बेटे की बेटी भी हो सकती है और बेटी की बेटी भी हो सकती है, मतलब पोती भी और नवासी भी. प्रिंसेस एलिजबेथ, जिसका नाम शहजादी एलिजबेथ था. व्हेन द स्टैम्प वाज बीइंग प्रिंटेड, जब जो है वो उसका जो स्टैम्प था वो प्रिंट हुआ, द प्रिंटर मेड अ स्मॉल मिस्टेक, तो क्या था, जो प्रिंट करने वाला प्रिंटर था उसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, गलती कर दी. एवरी 21st स्टैम्प, हर 25वां जो 21st 21वां जो स्टैम्प था
ऑन अ शीट, एक शीट पर आप 100, जो कि 100 की शीट थी। स्टैम्प्स मतलब ये कि एक शीट जिस पर 100 स्टैम्प्स थे, उनमें से जो 21वां स्टैम्प होता था शोड अ टाइनी कलर्ड मार्क। वो एक टाइनी मतलब छोटा सा कलर्ड मार्क, मतलब एक बहुत रंगीन सा छोटा सा टाइनी सा मार्क निशान जाहिर करता था अंडर द आइज़ ऑफ द प्रिंसेस, जो शहज़ादी थी उसकी आँख के नीचे। मतलब ये कि उससे गलती ये हुई कि उसने एक शीट प्रिंट की जिसमें एक शीट पे 100 उसने स्टैम्प प्रिंट किए, लेकिन उससे गलती ये हुई कि हर 21वां जो स्टैम्प था उसमें शहज़ादी का जहाँ पे फेस था उसकी आँख के नीचे बहुत टाइनी सा जो है ऐसे डॉट सा नज़र आता था जो कि कलरफुल था। देयर वर ओनली अबाउट 8,000 ऑफ दी स्टैम्प्स प्रिंटेड, और वहाँ पर क्या है कि सिर्फ 8,000 जो है वो स्टैम्प प्रिंट किए गए। एंड एवरी कलेक्टर वांटेड वन, और जो हर एक कलेक्टर था जमा करने वाला वो एक चाहता था। द स्टैम्प बिकेम नोन एज द वीपिंग प्रिंसेस, और वो जो स्टैम्प थे वो जाने जाते थे या फिर वो मशहूर हुए वीपिंग प्रिंसेस या रोती हुई शहज़ादी के नाम से। बिकॉज क्योंकि द मार्क लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ टाइनी टीयर, क्योंकि जो मार्क हुआ था जो निशान था वो बिल्कुल एक छोटे से आंसू की तरह लगता था। वेन एवर अ लेटर केम फ्राम कैनेडा, जब भी कभी कोई लेटर जो है वो ख़त जो है वो कैनेडा से आता, आई ऑलवेज लुक टू सी इफ़ द वीपिंग प्रिंसेस वाज ऑन इट, तो मैं हमेशा देखता कि क्या रोती हुई शहज़ादी जो है वो उस पर है और इनसाइड इट या उसके अंदर। बट अलास, लेकिन अफसोस, आई नेवर फाउंड वन, लेकिन मैं वो एक भी नहीं पा सका। सून आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद जल्द, कंटिन्यूड अंकल माइक, अंकल माइक ने जारी रखा, सम क्लेवर पीपल बिगेन टू मेक देयर ओन कॉपीज़, कुछ जो बहुत चालाक लोग थे उन्होंने अपनी कॉपीज़ जो हैं वो बनाना शुरू की। दे टुक द ऑर्डिनरी स्टैम्प्स ऑफ द प्रिंसेस, उन्होंने एक आम जो है वो स्टैम्प ली शहज़ादी की, एंड वेरी क्लेवरली, और बहुत होशियारी के साथ मेड अ मार्क ऑन देम, उन पर जो है उन्होंने एक निशान लगा दिया जस्ट लाइक अ टीयर, जैसा कि एक आंसू होता है। लॉट्स ऑफ पीपल थॉट दीज फॉर्ज स्टैम्प्स वर रियल, बहुत से लोगों ने ये सोचा कि ये जो नकली स्टैम्प्स हैं ये असल में असली हैं, एंड पेड क्वाइट हाई प्राइसेस फॉर देम, और उन्होंने बहुत बड़ी रकम जो है उनके लिए सर्व की या उन्होंने पे की। बट आई डिडेंट इवन गेट अ फॉइट वन, लेकिन मैंने एक जो है वो नकली भी है वो नहीं पा सका या मुझे वो नहीं मिला। अंकल माइक फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अंकल माइक ने अपना नाश्ता ख़त्म किया, एंड वेंट टू वॉश हिज हैंड्स, और वो अपने हाथ धोने चले गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ही सेड टू आसिम्स मदर, उन्होंने आसिम की मदर से कहा। डेट वाज मोस्ट डिलीशियस, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ही गेव हर अ बिग स्माइल, और उन्होंने उनको एक बहुत अच्छी या बड़ी मुस्कुराहट दी। एंड देन टर्न टू आसिम, और फिर आसिम की तरफ मुड़े। वेल, अच्छा आसिम, आसिम आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यू हैव मोर लकी, तुम बहुत ज़्यादा जो है वो खुशकिस्मत हो। देन आई डिड, मुझसे भी ज़्यादा, लुक आफ्टर द स्टैम्प्स वेल, और जो स्टैम्प्स हैं उनको अच्छे से, मतलब ये कि रखना या उनको संभालना। एंड वन डे, और एक दिन, यू नेवर नो, तुम नहीं जानते, यू मे वेल फाइंड अ वेरी रेयर स्टैम्प, कि तुम एक बहुत जो है वो रेयर स्टैम्प जो है नायाब स्टैम्प तुम ढूंढ लोगे। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ, सैड आसिम, आसिम ने कहा। डैट वुड बी रियली एक्साइटिंग, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया अंकल माइक। अंकल माइक, नो आई हैव समथिंग टू डू टुडे, अब मेरे पास कुछ है आज के दिन करने के लिए। अंकल माइक लाफ्ड, अंकल माइक मुस्कुराए, एंड वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम टू टॉक टू आसिम्स फादर, वो दूसरे रूम में चले गए आसिम के अबू से बात करने के लिए। नो रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट इज़ ओवर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।